और अज धन सतगुरु साहब सच्चे पातशाह गुरु अंगद साहब जी का गुरता गद्दी दिवस भी है। सतगुरु गुरु अंगद साहब महाराज जी का और जो श्रेष्ठ जीवन है, जो श्रेष्ठता है, धन सतगुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज नांगे की सरां, जिन्हों मत्ते की सरां भी कहा जाता सी, उत्थे प्रकाश हुंदा है। महाराज खडूर साहब वसाउंदे ने, आप सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज भाई लहणे दे रूप दे विच परिवार ने नाम रखिया। सतगुरु दे पिता बाबा फेरू जी, जिन्हां नूं बाबा फेरू माल जी भी करके कहा जाता है, ते इहदा जिक्र जिहड़ा है भाई सत्ता ते बलवान जी ने भी जिक्र किया कि फेर वसाया फेरू आण सतगुरु खडूर ते माता दया कौर सन। धन सतगुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने आप जिस वक्त नांगे दी सरां विखे अपना समां बतीत कीता, धन सतगुरु श्री गुरु नानक साहिब महाराज जी दी शरण विच आए, देवी दे पुजारी सन। महाराज जी दी शरण विच आण के दातार दे चरणां विच आण करके बहुत कुछ प्राप्त होया। पहली बार आउण दा कारण की बनिया सतगुरु जी दी शरण विच, उहदी उदाहरण आप जी दे सन्मुख दे दें। कारोबार करते सन हट्टी का, अचानक अमृत वेले घरों बाहर गए, खेतों में काम करता वट ते बैठा होया भाई जोध उची उची आवाज दे के बाणी पढ़दा के जित कीता पाई है अपना सा काल बुरी क्यों काली है। उची उची पढ़ रहा सी सतगुरु साहब जी की आसा दी वार। जदों बार बार ये बचन आ रहे सन कि जित कीता पाई है अपना सा काल बुरी क्यों काली है, बार बार जदों ये पंक्तियां सुनिया ते उस वेले मन प्रभावित होया। पुछया भी बाणी की दी, कहन लगे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी बाणी है। अर्थ पुछे, अर्थ सुनाए। अगला जिहड़ा समां सी, एक बाणी पढ़न वाले सिख ने सतगुरु साहब दे वल झुका के दर्शन एक बारी जरूर करने चाहिए। दूसरा सिख भाई शीहां जिहदे जीवन तो प्रभावित होए, इतिहास कहिंदा भी भाई शीहां सतगुरु महाराज जी दे दर दा बड़ा सिदकी सिख सी, है गरीब सी घरों। बारिशां पैण करके भादों दे महीने दे कारण, सावण दे महीने दे कारण बारिशां बहुत सन, ते घर दे विच ही रहे दिहाड़ी ना लगी, ते उन्हां को राशन घर दे विच पाउंदे सी जिन्ना दिहाड़ी लगदी सी। की देखिया कि भाई लैणे दे रोज दे गाहक सन, तीन चार दिन तो भाई शीआं दुकान ते नहीं आया, ते भाई लैणे ने आख्या भी भाई शीआं भी की गल दुकान ते नहीं आया, भी तीन चार दिन हो गए। वह कहिंदे भी दिहाड़ी नहीं लगी, पैसे नहीं मिले ते राशन नहीं सी, ते इस करके और तीन चार दिन बाद अज दिहाड़ी लगी ते अज राशन दी लोड़ पई ते तुहाडे कोल पैसे लैके आ गया। ते कहिंदे भी राशन घर विच है सी तीन चार दिन तो, कहिंदे भी जदों दिहाड़ी नहीं लगी ते फिर राशन कादा, कहिंदे भी घर विच कोई जमा नहीं कीता, कहिंदे जमा ते नहीं, जिन्नी महाराज रोज दी पूंजी दिंदे ने बस उन्नी को खट के घर लिआउणा, प्रशादा पाणी पक जांदा, होर की चाहीदा। वो कहिंदे भी तीन चार दिन तो जो कुछ सी घर विच सारा कुछ खत्म हो गया, पर अज दिहाड़ी लगी अद्धी ते प्रशादा पानी मैं छकण वास्ते जिहड़ा है तेरे कोल आया, मैनूं थोड़ा जिहा आटा ते थोड़ी जी दाल दे दे। जिन्हें पैसे फड़ाए भाई लैणा कहिंदा भी इहदे विच एक बुक तैनूं आटा मिलना है ते थोड़ी जी तैनूं दाल मिलनी, उहदा की करेगा, कहिंदा भी वाधू मेरे वास्ते परिवार वास्ते वाधू। उहदे फिर घर आए ते घर आउण तो पहला जो घटना वापरी जिहड़ी भाई लैणे नूं प्रभावित करदी है, एक बुक आटा आउणा सी, दो बुकां भाई लैणे ने पाईआं, कहिंदे भी इह की कीता, कहिंदा भी इह मेरे वल्लों, तुसीं प्रशादा रज के छक लिओ, दो तीन दिन दे भुखे हो, कोई रज के नहीं छकिआ। ते अगों भाई शीआं कहिंदा भी जिद्दण मेरे तो पैसे होणगे ना वध, उद्दण रज के छक लांगे, अपनी एक बुक विचों कढ लै, मेरे सतगुरु ने कहा किसी का हक नहीं खाणा, अपनी किरत कमाई करके खानी है, भावें थोड़ी खाइए। उस वेले बुक बाहर कढवा दित्ती ते जिन्ना सी आटा घर विच लै के आ गए। जदों घर विच लै के पहुंचे, हुण इत्थे वेख्यो घटनाक्रम की है कि पत्नी नूं लिया के आटा फड़ाया, उहदे तीन प्रशादे पक्के,
तकरीबन डेढ़ को दो कौलियां दाल दियां तैयार हुई ते जदों छकन लगे ते छकन तो पहला भी परिवार बैठा हाथ जोड़े सतगुरु अगे कि गुरु नानक साहब तुहाडा शुकर प्रशादा छकन नूं मिलिया शुकर करन लगे ते भाई लैणा पिछे पिछे आ गए भी वेखदा किन्ना कु सिदक है गुरु नानक साहब दे सिख विच अज ते खो खो के खाणगे पर जदों इन्ना सिदक आया हाथ जोड़ के छक रहे सन पत्नी नूं कहा भाई शीए ने भी तेरे कुछड़ लाल है तू दो प्रशादे छक लै मैं एक नाल गुजारा कर लांगा पत्नी कहिंदी मैं एक नाल गुजारा करांगी तुसीं इक बाहर जाके दिहाड़ी करनी हुंदी तुहानू दोवां दी लोड़ है इन्हें चनों आवाज पई भाई शीए घर है ने कहा जी हां आख्या भी तू सिख है ना कहिंदा जी हां कहिंदे फिर लिया फकीर आया प्रशादे दो छका हां भी मैनूं पता लगा सिख दे घर लंगर हुंदा है भाई शीए ने एक प्रशादा पहला रखिया ते दाल दी कौली अगे रख दित्ती दूसरा प्रशादा फिर उस फकीर ने मंगिया ते ए प्रशादा दे के ते बड़े प्यार नाल छकाया ते फकीर नूं पुछया भी होर प्रशादा कहिंदा भी नहीं मैं दोवां नाल बड़ा संतुष्ट हां तेरा शुकराना जदों फकीर वापस मुड़िया भाई लहणा सारा कुछ वेख रहे सन ते भाई शीआं कहिंदा सच्चे पातशाह किन्नी कृपा कीती भी तुसीं अपने सिख तों सेवा लै लई भाई शीए ने एक प्रशादा बचा एक कौली दाल दी पत्नी नूं कहा भी एक प्रशादा छक लै थोड़ी जी दाल मेरे लिए छड्ड दिओ मैं छक लांगा जदों दोवें जाने आख्या भी नहीं आपां समझौता करदे आं अद्धा तुसीं छक लो अद्धा मैं छकदी हां दोनों जाणियां ने रज के प्रशादा अजे प्राप्त नसीब नहीं होया पर जिन्ना सी छक के शुक्र कीता गुरु नानक साहिब तुहाडे घर दे विचों अद्धे अद्धे प्रशादे की दात मिली तुहाडा शुकराना यह कहण की देर ते भाई लहणा आण के भाई शीए दे अगे डिग पए नमस्कार कीती धन सिखी सिखा मैं बाणी पढ़न वाला सिख वेख्या सी बाणी अनुसार सिदक निभाउण वाला आ सिख ओह भी अज मैं दर्शन कर लै मैनूं गुरु नानक साहिब जी दे घर दा रस्ता दस सतगुरु गुरु नानक साहब जी की महिमा सुनने वाले भाई लहणा एक दिन गुरु नानक साहब जी के दर से करतारपुर पहुंचे खेतों चो नदीन करदे गुरु नानक साहब जी नूं कहिंदे ने आवाज दे के भाई जी गुरु नानक साहब के दर से जाना है रस्ता दसोगे नदीन कढ़दे ने लगाम फड़ ली लगाम फड़ के कहन लगे भाई सिखा तेन मैं छाड़ी आउना अपनी धर्मशाला दे नेड़े क्या दरखत नाल घोड़ा बंधे इत्थे सतगुरु गुरु नानक साहिब आण के बैठन के दर्शन कर लई महाराज इशनान पान करके जदों संगत का समा होया ते बैठे भाई लहणे दियां अखां अड्डियां रह गईयां ये तो उही ने भी जिन्ना मेरी लगाम फड़ी सी घोड़े की सतगुरु साहब जी की संगत को पुछदा भी इन्हां दे नाल दा कोई बंदा होर भी है कहिंदे भी होर तो कोई नहीं ये शब्द वरत के प्रेम भावना दे नाल उस वक्त संगत ने कहा यही गुरु नानक साहब ने चरणा ते डिग पिया महाराज मैं ते झुकण आया सी पर तुसी मैं आप नवाबा वांग घोड़े ते सजिया रहा ते तुसी मेरे घोड़े की लगाम फड़ के आयो महाराज ने बचन कीता कहन लगे लैणिया जिहड़े लैणदार हुंदे ने उह घोड़िया ते चढ़ के आउंदे ने देनदार नीवें होया करदे ने सतगुरु साहिब महाराज ने कहा नाले लगामा मैं तेरे घोड़े दियां नहीं तेरे अंदर दियां फड़ियां सन सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने सत प्रीख्यावां लईयां भाई लहणे दियां सत प्रीख्यावां तो बाद इन्हें प्रेम दे विच भिजे भाई लहणा जिदन अखीरले समय ते सी सतगुरु अजब जिहा कौतुक कीता तन दे उपर अजीब जे वस्त्र पा के शमशान घाट वाले पासे करतारपुर नूं तुरे जाण ते कुछ शिकारी कुत्ते लै लए नाल ते संगत पिछे पिछे चलती है कईयां नूं मोहरां दे के वापस मोड़िया चले जाओ घरां नूं सोना चांदी दे के धन दे के तोर दिता किसे नूं डरावा पा के तोर दिता कईयां नूं शिकारी कुत्तियां तों डराया गुरु नानक साहिब आप शमशान घाट के नेड़े पहुंचे ते दो गुरसिख रह गए बाबा बुढ़ा साहिब ते भाई लहणा बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं वी इशारा कीता दिल की रमत समझ गए एक दरखत दे उल्ले हो गए भाई लहणा कल्ले रह गए सतगुरु
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਕਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ, ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਲੈਣਿਆ ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੁਰਦਾ ਖਾ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ ਖਾਵਾਂ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਲੈਣਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੰਗਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਏ ਭਾਵ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਫੇਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖੱਟੀਐ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਫੇਰ ਆਈ ਆ, ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਫੇਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਲਿਪਤ ਕਰੀ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਆਓ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉੱਚੋ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਕੇਰ ਸਮਾਇਓ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬਮੈ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸਦਾ ਬਵੇਕ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈਪੀ ਹੋਵਨਹਾਰ, ਹੇ ਸੰਤਹਿ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨੀ ਤਾਰਾ ਆਧਾਰ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹੋਂ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀਏ ਪਰੋਏ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।